Hey you guys, welcome back to my channel. My name is Sahil और channel का नाम है साइन बॉय साहिल। तो guys हालांकि बहुत दिन बाद हम तुमसे मिल रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज मॉर्निंग राइड करने का कुछ मन कर रहा था, सो आज हम मॉर्निंग राइड पर निकले हैं चीना मंदिर के साइड। ये हम लोग का चीना मंदिर का साइड है। तो guys सोच रहे थे बहुत दिन से वीडियो बनाने का, तो हो नहीं पा रहा था टाइम। आज हम तुमको दिखाते हैं कि हम लोग का ये बस मॉर्निंग राइड बना रहे हैं। अभी हम अपना ऑफिस जा रहे हैं, सो सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना लें। तो गाइस और एक बात, मैंने देख रहा हूँ कि भाई बाइकर बॉय जहीर और बियर बाइकर सैमी के ऊपर बहुत सारे लोग कर मतलब डिस कर रहे हैं। तो मत करो भाई, वो बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं, मुझे ही मालूम है। अभी मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि अभी हम ऑफिस पर जा रहे हैं तो किसी को ले कर नहीं जाते संग में। सो ये देखो यहाँ पे, हालांकि ये काम होता है मतलब कवाड़ी का, तो इसीलिए इतना गंदा है। तो गाइस जब से हम सर्विसिंग करा के लाए थे तब मेरा जो हम बोले थे कि इंजन का फॉल्ट हो रहा है, इंजन कट जा रहा है, एसपी साइन में मतलब एसपी 125 में यही एक प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादातर, कि ज़्यादातर इसका इंजन हेड कट जा रहा है। तो तुम लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ये लेके मेरे पास दो बार कट गया। तो हम सर्विस सेंटर से गए, बोले तो वो लोग फ्री में बना दिया, पर ऐसा होना नहीं ना चाहिए। तुम ही लोग बताओ, नया गाड़ी है 10 महीना का और इंजन हेड बार बार कट जा रहा है, इसके लिए हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे। बार बार अगर हम स्पीड में चलाते हैं तो मोबिल निकल जाता है और आग लगने का प्रॉब्लम हो जाता है, इसी के लिए हम ये नई वीडियो बना पा रहे थे। पर अब जो कि थोड़ा सा मतलब फिर भी तो लीक कर ही रहा थोड़ा थोड़ा, तो अब कितना दिन ही वीडियो बनाए बिना हम रह सकते, तुम लोग से मिला बिना रह सकते, तो सोचा कि वीडियो ही क्यों ना बना लें। ये चीना मंदिर बाज़ार है, यहाँ से हमको कहाँ जाना है, हम रास्ता भूल गए दादा। हेरिटेज कॉलेज तक हेरिटेज कॉलेज का कौन दिखे पड़े हेरिटेज कॉलेज का कौन दिखे। तो देख रहे हो गाइस, हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, पीछे का नज़ारा थोड़ा देख लो। मतलब यहाँ कोई लगता है बाजार बैठता है होलसेल का, तो सब यहाँ से खरीद के और बाहर में जाके बेचते हैं। चाहो तो तुम भी ये काम कर सकते हो, काम में क्या है, शर्म तो है नहीं, पैसा वो कर सकते हैं जितना कम आते हैं। तो देखो तुम लोग हेरिटेज लॉ कॉलेज जा रहे हैं, ये हेरिटेज लॉ कॉलेज बहुत नाम किया हुआ, तुम लोगों ने नाम से पता ही लग गया होगा। इसका भी यहाँ पे ब्रांच है, जैसे कि हम लोग का सबसे पहला जो कॉन्सर्ट हुआ था यहाँ पे वो था इसका, हम छोड़ो याद नहीं आ रहा वो सिंगर का, बट बहुत फेमस सिंगर है। लेकिन जो भी कहो गाइस, ये बाइक मतलब सुपर कूल है, सुपर कूल। तो चचा का रिएक्शन देख लो, चचा हमको देख रहा था, सोच रहा था आदमी है, क्योंकि गाइस हम लोग का वेस्ट बंगाल में अभी भी पॉपुलेटेड नहीं हुआ ये वीडियोग्राफी करना, अगर कोई करता है तो उसे लोग गलत समझते हैं, समझे, किसी के लिए कोई करने नहीं मांगता। ओ भाई साहब, अभी मैं ठुकने वाला था, एक हाथ से फोन और एक हाथ से गाड़ी, अगर ठुकाई होगा तो भयानक होगा, और कोई सब मेरा ही दोस्त बोलेगा कि इसी का दोस्त है, क्योंकि मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। तो लॉन्ग राइड में बहुत मज़ा भी आ रहा है। और गाइस वैसे बोल दूँ तो मेरा बाइक अभी थर्ड सर्विस के बाद 60 अबव माइलेज दे रहा है, 60 के ऊपर। बहुत से लोग मेरे से वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कितना माइलेज दे रहा है, तो मेरा 60 के अबव माइलेज देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, 60 के ऊपर ही देता है, पर मैं 60 पकड़ता हूँ मतलब 60। ओके देखो
अब पिकअप भी इसका बहुत अच्छा है, बस इंजन हेड का प्रॉब्लम की वजह से। और गाइस हाँ, और एक बात, इस गाड़ी का जो बैटरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीका से बनाया गया है। वो टाटा कंपनी का बैटरी है, बहुत ही बेकार फालतू बैटरी है। और 10 महीना हुआ है अभी, जो मेरा इंजन हेड का प्रॉब्लम आ रहा था उसी के साथ ये बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा था। मेरा इग्निशन बंद हो जा रहा है लेकिन गाड़ी चल रहा है। तो जाके हम चेक करवाए, सर्विस सेंटर वाला बोला बैटरी ख़राब है। हम उन लोग को फ़ोन किया, होंडा का सर्विस बहुत ख़राब है, हम उन लोग को फ़ोन करते गया, वो लोग बोला जब स्पेयर बैटरी आएगा तब हम तुमको बुला लेंगे, बैटरी ले लेंगे उसका देंगे। 10 दिन हालांकि हो गया, जब हम झमेला किए जाके वहाँ पे चिल्ला चिल्ली किए तब वो लोग हमको एक स्पेयर बैटरी दिया, जिसका मदद वो तो मेरे बैटरी से भी ख़राब है। ये देखो आया है एफटी कैंपस और सामने से बाबूजी आ रहा है, बाबूजी ट्रक। ये देखो हम लोग का आया एफटी कैंपस, मतलब मेरा नहीं, वेस्ट बंगाल का, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। देख लो बहुत ही भयानक। और भाई मज़ा आ रहा है भाई, यार सुबह को राइड करके बहुत लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। रास्ता फाका, और बहुत समय के बाद हम ये वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और मतलब कि क्या ही बोले। और अब सामने हेरिटेज है तो बोलने वाले थे कि बैटरी अभी ले लिया है तो अभी भी वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि बैटरी तो ले लिया है और बैटरी का कोई भरोसा नहीं है। इस बैटरी से हम बस ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, ठीक है। तो बैटरी आएगा उसके बाद हम स्मूथ राइडिंग करके दिखाएंगे। तो गाइस हम तुम लोग से बात करना चाहते हैं, मुझे वीडियोग्राफी का शौक़ बचपन से है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं एक हाथ छोड़ के वीडियोज़ बना रहा हूँ, जो कि मैं जानता हूँ ये लाइव रिक्स करने वाला बात है। तो तुम लोग ऐसा प्लीज़ मत करो, ठीक है। मुझे तो शौक़ है लेकिन शौक का भी अब हम फाका रास्ता में चला रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही अगर भरा रास्ता रहता तो कोई भी हम पागलपंती नहीं करते, मेरे भाई को लेते कभी मनाते या फिर नहीं बनाते, ठीक है। तो ये था सेफ्टी रूल्स का बात कर लिए। तो अब तुमको हम अरवाना कॉम्प्लेक्स दिखा, ये हम लोग का अरवाना NRI कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ से जो थोड़ा सामने का निकल के वो कुहासा जो भाई 40 तल्ला ये NRI से, जिसमें NRI लोग रहते हैं। वैसे भी हम वेस्ट बंगाल में रहते तो उससे भी अच्छा अच्छा चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे मोबिल की मोटर्स है, यहाँ पर अगर किसी को गाड़ी वॉश कराना तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी वॉश करते हैं। दोस्त का पापा करवाते हैं तो हमको मालूम। देखो यहाँ पे भी पूरा पाका, टाइम देख लो भाई, टाइम 8:53, बहुत ही लेट हो गया हूँ ऑफिस के लिए। तो आज के लिए यहीं तक था, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट जरूर करना कि क्या हुआ प्रॉब्लम, कैसे ख़राब हुआ, ठीक है। बाय बाय।